वाकया ये पहला नहीं था और आखिरी नहीं है, ऐसे बहुत से वाकये हुए हैं जब जान पे भी बनाई है, लेकिन दिल में जो दर्द है, जो बाबा साहब की पीड़ा हमने बचपन में किताबों के माध्यम से महसूस की थी, उस पीड़ा उस दर्द को जब मैंने अपने समाज में देखा कि हमारे समाज के लोगों का मान सम्मान शून्य है, कि हमारे सोच को कुंद कर दिया, कि हम लोग इस कुदरत में इस धरती पर उसी तरह से पैदा हुए हैं जिस तरह से हर इंसान हर प्राणी पैदा होता है, कि हमारे अंदर भी बुद्धि है, मेधा है, रूप है, हाथ पैर की ताकत है, बल्कि मेहनत करने की ताकत तो इतनी ज्यादा है, क्योंकि हमारे समाज के हमारे दादाओं ने परदादाओं ने उन लोगों के खेतों में किसानों के खेतों में किसानी की है, जमीन ना होने के बाद भी हमने मेहनत किया, संघर्ष किया और बदले में हमें क्या मिला, एक कुंद सोच कि हम हीन है, कि हमारे अंदर बुद्धि नहीं है, कि हम लोग मजबूरी के मारे हैं, कि हम लोग छोटी जातियों के हैं। आज मैं बहुजन समाज संगठन के स्थापना दिवस पर बहुजन समाज संगठन की उपलब्धियां गिनाने नहीं आई हूँ, बस ये बताने आई हूँ कि बहुजन समाज संगठन एक ऐसी मीनार है, एक ऐसा पिलर है, एक ऐसा मंच है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी हम सब लोग ईंटें हैं, जिसकी हम सब लोगों के अंदर बराबर की जिम्मेदारी है, और हम अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए एक एक करते हुए एक के आगे जितने भी शून्य आप लगाना चाहो लगा सकते हैं, उतने हैं हम ताकत, हमारी बहुत ताकत है इस देश में, हमारी बहुत ताकत है, लेकिन हमारी ताकत का एहसास हमें नहीं होने दिया गया, हमारे वोट को खरीदा जाता रहा। मैं राजनीति करने नहीं आई हूँ, मैंने देखा है अपनी आंखों से, मैंने देखा है, मैं रोई हूँ इस बात से कि व्यक्ति के अंदर सब योग्यताएं होने के बाद भी हीन भावना है और वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, क्योंकि ये जाति विशेष से संबंध रखता है। जब मेरे बर्दाश्त से बाहर हो गई तब हमने हर राज्य में दौरे किए, मेरे साथ कभी दो लोग, कभी चार लोग, कभी दो गाड़ी, कभी चार गाड़ी, करते करते हमने दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, मैं झारखंड के लोहरदगा में रात को सिर्फ इस वजह से रुकी थी क्योंकि हमें जान का खतरा था और वहां कोई रुकने की जगह भी नहीं थी, लेकिन समाज के लोग जिन्हें पता था कि वहां जान का खतरा है उन्होंने हमें वहां रुकवाया, बोले कि आप रुक जाइए नहीं तो सुबह नहीं देख पाएंगे, और हम उड़ीसा गए, सुंदर नगरी गए, उड़ीसा के लोग मेरे साथ ही यहाँ बैठे हुए हैं। उड़ीसा से दिल्ली तक का सफर नॉनस्टॉप कार में किया, पैर इतने मोटे मोटे हो गए, देख करके डर लगने लगा अपने आप को कि मुझे कुछ हो ना जाए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, आपके सामने खड़ी हूँ, अच्छी खासी हूँ, तगड़ी हूँ, तंदुरुस्त हूँ, दिमाग से तेज हूँ, और बाबा साहब के दिए हुए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का भली भांति सदुपयोग करना जानती हूँ। बाबा साहब ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार तो हमें दिया, बाबा साहब ने हमें राजनीतिक समानता का अधिकार तो दिया, लेकिन उन्हें कहीं ये मालूम था कि जिस कारमा को उन्होंने पैदा किया वो कारमा कहीं बीच में ठहर सकता है, इसीलिए जब उन्होंने देखा उनके दिल में दर्द उपजा और उन्होंने कहा कि मैं इस कारवां को बड़ी मुश्किल से यहां तक लेकर आया हूं, मेरे साथियों, मेरे नौजवानों, इस कारवां को यदि आगे न बढ़ा सको तो बीच में ही छोड़ देना, लेकिन पलट कर मुड़ कर देखना मुनासिब नहीं है। आज हमने उसी कारवां को उसी बीच में छूटी हुई जगह से उठाया है और बहुजन सम्यक संगठन के कार्यकर्ता, साथी, सहयोगी देश के गांव गांव में हैं, देश के मोहल्ले में हैं, देश की गलियों में हैं, और बहुजन सम्यक संगठन की छत्र छाया तले बाबा साहब की उंगली जहां इंगित करती है वहां जाने की तैयारी है। बहुत सी बातें हैं, बहुजन सम्यक संगठन के नाम पर बहुत से
लोगों ने कहा कि लाखों संगठन हैं, आपको क्या जरूरत है संगठन बनाने की। मैंने भी सोचा मुझे क्या जरूरत है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा था कि संगठन तो है, लाखों संगठन हैं, और यहाँ पे मौजूद हर व्यक्ति किसी न किसी संगठन से अपने जीवन काल में जुड़ा रहा है, लेकिन कोई बात की कमी है कि जिसके कारण बरसों 70 से ज्यादा बरस हो गए, हम आज भी इस देश में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करवा पाए। सिर्फ एक ही तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज करवा पा रहे हैं कि जब इलेक्शन आते हैं तब वोटों की खरीद और फरोख्त होती है, तब हमारे लोग बिक जाते हैं, तब हमारे लोग बर्बाद हो जाते हैं, एक साड़ी में, एक कंबल में, एक बिरयानी में, एक पतपौवे में, एक पाउच में, जाने किस किस में। बाबा साहब माननीय काशीराम साहब एक न बिकने वाला समाज बनाना चाहते थे, लेकिन देखा जाए तो न सिर्फ बिके बल्कि बहुत बिके, बहुत बिके, और बिकते बिकते ये हालत हो गई कि हमें अपने आप पर भी लज्जा नहीं आती कि हम लोग क्यों बिकते रहे, कि हम लोग क्यों बर्बाद होते रहे। और इस देश के अंदर हम लोग दलित, बहुजन, शोषित, पीड़ित, वंचित, पिछाड़े हुए, अल्पसंख्यक, माइनॉरिटीज, 85% अमूमन आबादी के होने के बाद भी हम लोग महज 2-4% लोगों के कहे में चलते रहे, हम लोग पिटते रहे, बिकते रहे, बर्बाद होते रहे। यही तो लोकतंत्र की स्थापना नहीं की थी बाबा साहब ने, यही तो संविधान में संवैधानिक अधिकारों की अवधारणा नहीं की थी बाबा साहब ने, तो ऐसा क्यों हुआ? इसलिए जब दिल का दर्द बढ़ गया तब परिवार को नमस्कार कर दिया, और बहुजन सम्यक संगठन संगठन के माध्यम से गांव गांव में बाबा साहब के विचारों की अलख लेकर निकल पड़ी। काम भी करती हूँ, FIR दर्ज कराती हूँ, मुकदमे लड़वाती हूँ, लोगों के मान सम्मान की लड़ाई लड़ती हूँ, जो बन पड़ता है करती हूँ। शुरुआत में लिस्ट रखते थे, इसका काम कर दिया, उसका काम कर दिया, वहां गए थे, ये कर दिया, उसके बाद लिस्ट इतनी बड़ी हो गई कि पन्ना खत्म हो गया, इसलिए लिखना छोड़ दिया। अब जरूरत ही नहीं पड़ती कि अपने कामों का बखान करूं, बस इतना जानती हूँ कि मैं निस्वार्थ आई हूँ, बाबा साहब की कृपा से मेरे पास मेरा जीवन यापन करने के लिए, मेरी दो रोटी खाने के लिए बाबा साहब ने मुझे दिया, लेकिन मैं उस दो रोटी को चैन से नहीं खा सकती जब तक इस देश का एक भी नागरिक, एक भी दलित बहुजन समाज का व्यक्ति मान सम्मान से हीन है। उसी मान सम्मान की लड़ाई लड़ने निकली हूं, बाबा साहब ने भी कहा था मान सम्मान नहीं तो कुछ भी नहीं। आज आपके बीच आई हूँ, निस्वार्थ आई हूँ, और देश के हर दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित और पिछाड़े हुए को एक करके, एक सूत्र में पिरो कर, एक माला बनाकर बाबा साहब के गले में पहनाना चाहती हूँ। इस देश के दलित बहुजन को उसकी अस्मिता का एहसास कराना चाहती हूँ, इस देश के दलित बहुजन को, इस देश के मूल निवासी को, इस देश के असली हकदार को उसका हक दिलवाना चाहती हूँ। ये हक की लड़ाई है, ये अधिकारों की लड़ाई है, ये संविधान की लड़ाई है, ये संरक्षण की लड़ाई है। बहुजन सम्यक संगठन बहुत कुछ करेगा, ये ऐतिहासिक मीटिंग है आज की। बहुजन सम्यक संगठन के माध्यम से हम बहुजन सम्यक संगठन के कार्यों की रूपरेखा बनाना चाहते हैं। मैं आज आपसे ही आपके सुझाव लेने आई हूँ कि हम अभी ताबड़तोड़ दिन रात कुछ भी नहीं देखते थे, पूरे देश में जा रहे थे, हर राज्य में जा रहे थे, सब लोगों को जोड़ रहे थे, इतना जोड़ा कि आज बहुत बाबा साहब ने जो संगठित रहो का नारा दिया था वो हमें लग रहा है कि फलीभूत होता जा रहा है। लेकिन लेकिन एक कमी ये है कि बहुजन सम्यक संगठन ने बाबा साहब के संगठित होने के नारे को फलीभूत करने के लिए कोशिश की। उससे भी पहले बाबा साहब ने शिक्षित बनने के लिए कहा था, शिक्षित बन गए, अक्षर ज्ञान हो गया, हम लोग बाद डिग्री हो गए, PhD हो गए, LLM हो गए, इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, लॉयर हो गए, लेकिन स्वार्थी भी हो गए, इतने स्वार्थी हो गए कि अपनी बीवी, अपना TV,
अपनी कार, अपनी घोड़ी, अपना मंदिर। आज जिस देश के अंदर मंदिर और घोड़ी के आगे कोई फौज ही नहीं पैदा होने देगा दिमागों में कि मंदिर में जाना हमारा उद्देश्य है, कि घोड़ी में चढ़ना हमारा उद्देश्य है, क्या हो जाएगा? अरे जहां स्वागत नहीं, सम्मान नहीं, क्यों जाते हो? क्यों जाते हो मंदिर में और क्यों जाते हो घोड़ी में? पैदा करो फार्म हाउस में। साथ हो, सोच भी बदलो, सोच बदलो। जिस सोच को सैकड़ों साल उन्होंने कुंद करके रखा और देश आजाद होने के 70 बरस हमारी सोच के ऊपर हावी रहे, आज उस सोच को उभारो। किसी से कम नहीं हो, इन छोटी छोटी उलझनों में मत उलझो कि मंदिर जाना है, कि घोड़ी में बैठना है, क्या हो जाएगा। अपने आप को इस लायक बनाओ, घोड़ी नहीं कार में सफर करो, कार में, हवाई जहाज में, और अपने हवाई जहाज में, अपनी कार में, किराए की कार में। कैसे आएगा? आ ही नहीं सकता। इन सब के लिए जरूरी है बुद्धि, दिमाग, शिक्षा। अक्षर ज्ञान नहीं, शिक्षा। वो शिक्षा जो हमारे दूरदर्शी महामानव ने उस समय में हासिल की थी जब उनका स्कूल में नहीं जाने दिया जाता था, जब वो क्लास के बाहर चप्पलों के ऊपर बैठ करके अपने मान सम्मान को रक्षा करते हुए पढ़ते थे। उन्हें कोई इंग्लिश की ट्यूशन क्लास नहीं थी, उनका पेट में खाने का रोटी नहीं थी, तब उन्होंने जो शिक्षा हासिल की थी, तब उन्होंने आगे के युग दृष्टा का जो विजन अपने अंदर पैदा किया था, उस शिक्षा की मैं बात करती हूँ। अपने लिए कम की सोच को त्याग दो और आज पूरी तरह से शिक्षित होने के लिए हमें एक दूसरे को साथ लेकर चलने की जरूरत है। बात फिर वही आ जाती है, बहुजन समाज संगठन, बाबा साहब के शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो के नारे को लेकर चलता है। बाबा साहब को घर घर में पहुंचाने का मादा रखती हूँ। इस देश के हर घर में बाबा साहब को पहुंचाना चाहती हूँ, और सिर्फ इसलिए नहीं कि बाबा साहब ने दलितों शोषितों के लिए काम किया, सिर्फ इसलिए नहीं कि बाबा साहब ने महिलाओं के लिए भी काम किया, इसलिए भी कि बाबा साहब ने इस देश के लिए काम किया, इस देश के हर नागरिक के लिए काम किया, हर जाति धर्म संप्रदाय के व्यक्ति के लिए काम किया, हर शोषित के लिए काम किया और हर देश के नागरिक के लिए काम किया। उन्होंने जीवन के हर क्षेत्र में अपना प्रभाव छोड़ा, चाहे वो बिजली का हो, चाहे वो सिंचाई की योजना का हो, चाहे वो RBI की अवधारणा हो, चाहे वो नीति आयोग हो, चाहे वो इस देश की महिलाओं के मान सम्मान की लड़ाई हो। बाबा साहब ने हर व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव छोड़ा। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि बाबा साहब मरते मर गए लेकिन किसी ने भारत रत्न नहीं दिया? भारत रत्न भी उनको मिला जब वो गुजर गए, जब हम लोगों ने आवाज बुलंद की। ऐसा क्यों हुआ कि बाबा साहब को सिर्फ दलितों की सभाओं में ही जय भीम करके बुलाया जाता है? ऐसा क्यों हुआ कि इस देश की महिलाएं, जो ब्राह्मण भी हो सकती हैं, क्षत्रिय भी हो सकती हैं, कोई भी जाति की हो सकती हैं, वो बाबा साहब के योगदान को नहीं जानती कि बाबा साहब ने महिलाओं के मान सम्मान की रक्षा के लिए देश के कानून और विधि मंत्री के पद से त्याग पत्र दिया था यूनियन कैबिनेट। चल रहे हैं, सर्वाइवल की बात करते हैं हम लोग।
आज की सभ्यता नहीं है, हम लोग 5000 साल से पुरानी सभ्यता है और हम आज भी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज भी हम लोग उसी तरह से बेसिक स्ट्रक्चर में जी रहे हैं। हम लोगों की वजूद की लड़ाई है, लेकिन हमारी लड़ाई और ये वजूद की लड़ाई दूसरी है। इस वजूद की लड़ाई में हमारा शोषण हो रहा है, इसमें हमारा शोषण हो रहा है, हम लोग इसमें बिखर रहे हैं। हम लोगों को हमारी औकात बताई जा रही है कि हम लोग कुछ भी नहीं। मैं उसी संघर्ष की बात कर रही हूँ, संगठित हो और संघर्ष करो, लेकिन गलत मुद्दों पर नहीं, गलत बातों पर नहीं। और इस देश के हर व्यक्ति को जोड़ो इस ताकत से, जिस ताकत से बाबा साहब ने अपने परिवार का त्याग दिया, अपने परिवार का बलिदान किया, उस ताकत को इकट्ठा करके इस देश के हर घर में, चाहे वो घर किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का व्यक्ति का घर हो, हर घर में बाबा साहब को पहुंचाना है, हर घर में बाबा साहब को पहुंचाना है। इसीलिए हमने नारा दिया है, हर घर को भेद कर घर घर में अम्बेडकर, हर घर को भेद कर घर घर में अम्बेडकर, हर घर को भेद कर घर घर में अम्बेडकर। क्यों? क्योंकि हर घर में हर व्यक्ति बाबा साहब के जीवन संघर्ष से प्रेरित प्रभावित होना जरूरी है। प्रभावित तो पहले से ही है, प्रेरित करने के लिए हम लोगों को बाबा साहब के दिए हुए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का पालन करना पड़ेगा। हम लोगों को आगे चलकर अपनी मीटिंगों में, अपनी सभाओं में उन लोगों को बुलाना पड़ेगा, उन लोगों को सिखाना पड़ेगा कि बाबा साहब अकेले दलितों के मसीहा नहीं थे। वो दूसरी बात है कि आजकल जय भीम के नाम पे हमें खरीदने की कोशिश होती है, कि आजकल जय भीम के नाम पे हमको सिखाया जाता है कि हम वो बाबा साहब के सच्चे हितैषी हैं और वही हमारे हितैषी हैं। सच्चाई यह है कि बाबा साहब को हर व्यक्ति इस देश का माने और उसके लिए इस सभा में उपस्थित हर व्यक्ति को प्रयास करने की जरूरत है। हमारी अस्मिता जाग उठी है। कुछ विधायिकाओं में हमारे विधायक पहुंच गए, कुछ मुख्यमंत्री भी कई बार बन गए। हम लोग अपनी जाति का नाम फक्र से लेने लगे, मैं चमार हूँ, मैं जाटव हूँ, मैं वाल्मीकि हूँ, अरे मैं फलाना हूँ, मैं पासी हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। नहीं, नहीं, बाबा साहब जाति विहीन समाज चाहते थे। ठीक है, आजकल हम पढ़ते हैं द ग्रेट चमार लिखा रहता है, कहीं ग्रेट वाल्मीकि भी लिखा रहता है, कहीं कुछ लिखा रहता है, गाड़ियों पर अब लोग जाट लिखने लगे, किसी गाड़ी पर ब्राह्मण लिखा रहता है। क्यों? इस संवाद के लिए हमारे महापुरुषों ने अपने अपने जीवन में संघर्ष नहीं किया था कि हम लोग अपने आप को अपनी जाति से आके कि हम फला जाति में पैदा हुए। मेरे ऑफिस में एक सुप्रीम कोर्ट के बड़े बहुत सीनियर लॉयर आए, जाति से थे, महान जाति से थे। आके उन्होंने एक डेढ़ घंटा हमसे बात की, तर्क किया, बहुत देर किया, कहीं पर भी तर्क में नहीं ठहरे, चलते चलते कहीं लग गए I am proud to be a Brahmin। ये बात उनके शब्द, हमारे एक भाई बैठा हुआ था, उसको पता चला उसने ये बोल दिया तो अब इसकी खैर नहीं। अभी तुरंत तुरंत हमने उसको कहा You are proud to be a Brahmin, that means I should be ashamed of being a Dalit। मैंने ये कहा आप ब्राह्मण होने के लिए आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, तो क्या दलित होने के कारण मैं शर्म से मर जाऊं? आप मेरी जगह भी हो सकते थे, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम ये दोनों ही जगह खत्म कर लें या जगह बदल लें? लेकिन हम इतना खराब नहीं है कि हम जगह बदलें, हम बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं, हम जगह नहीं बदलेंगे, हम इस देश में जाति विहीन समाज बनाएंगे, एक ऐसा समाज जिसमें जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, रंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, लिंग के आधार पर कोई भी व्यक्ति छोटा बड़ा ना हो, कोई शोषण ना हो, कोई उत्पीड़न ना हो, कोई भेदभाव ना हो, किसी भी किस्म का कोई भी दुराचार ना हो, रेप ना हो। जाति देख करके रेप किया जाता है, जाति देख करके जो अपमान किया जाता है, जाति देख करके जमीनें कब्जाई जाती है, जाति देख करके पार्टियों में जगह दी जाती है, जाति देख करके मंत्री बनाए जाते हैं, जाति देख करके तो भाई उसका क्या? बाबा साहब मरते मर गए, उन्होंने जो संघर्ष किया और आज हम फिर उसी कबीले
बंद कर दिया। हमारे पास 125 जाने 131 कितने हैं आजकल सुनने में आता है, ये 150 करोड़ भी हैं। इतने लोगों की सोच के ऊपर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया और हम काबिज हो गए उनकी सोच पर, वो हमारी सोच पर काबिज हो गए, वो हमारी सोच के कब्जेदार हो गए। इस सोच को बदलने निकली हो बहुजन समाज संगठन को, मैं भारत सरकार की मुलाजिम हूँ, सरकार से तनख्वाह पाती हूँ, अपना घर चलाती हूँ, अपने बच्चे पालती हूँ, बहुत संघर्ष कर रही हूँ, मेरी नौकरी को कभी भी कोई मुझसे छीन सकता है, मैं बेघर हो सकती हूँ, मैं लाचार हो सकती हूँ, मैं छोटी छोटी चीजों के लिए तरस सकती हूँ, लेकिन जो मेरा दर्द है, जो बाबा साहब की जो पीड़ा मैंने महसूस की थी जब मैं सातवीं क्लास में पढ़ती थी, वो पीड़ा मुझे चैन से सोने नहीं देती। तब मैंने सोचा कि जो होगा देखा जाएगा, मैं संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ रही हूँ, मैं इस देश की नागरिक हूँ, मैं इस देश से प्यार करती हूँ, मैं सबसे पहले और सबसे बाद में भारतीय हूँ, इसलिए ये मेरा जीवन का संघर्ष है कि मैं भारत सरकार की मुलाजिम रहते हुए, तलवार की धार पर चलते हुए, अपने बच्चों को, अपने परिवार को संभालते हुए अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभा रही हूँ। और वो जिम्मेदारी है कि मुझसे वो दर्द, वो पीड़ा, वो समाज का उत्पीड़न देखा नहीं जाता, वो देखा नहीं जाता। और मैं चाहती हूँ कि हर व्यक्ति न सिर्फ रोटी खाए, न सिर्फ रोजगार ले, न सिर्फ इस देश में पैसे वाला हो, इस देश का हर नागरिक इस देश के उन्हीं अधिकारों का हकदार है जो अधिकार कुदरत में हर व्यक्ति को, हर प्राणी को मिलने चाहिए। और सबसे बड़ा अधिकार है मान सम्मान के साथ जीने का अधिकार, वही सबसे बड़ा अधिकार है कुदरत का, मानवता का अधिकार। और उस मानवता के अधिकार का संघर्ष हम लेकर चले हैं। और आज बहुजन सम्यक संगठन के स्थापना दिवस के इस अवसर पर मैं प्लानिंग लेकर आपके बीच में आई हूँ, और मेरी जो योजना है उसमें आप सब लोगों की बराबर की भागीदारी है। आप सब लोगों को अपनी सोच को बुलंद करके उस भागीदारी को निभाना है। बहुजन सम्यक संगठन, बहुजन सम्यक संगठन संविधान संरक्षण समिति, बहुजन सम्यक संगठन संविधान संरक्षण समिति की घोषणा आज हम इस मंच से करना चाहते हैं। बहुजन सम्यक संगठन संविधान संरक्षण समिति क्या चीज है, क्या बला है? बहुत सी रैलियां होती है, कोई संविधान बचाओ, कोई संविधान ये करो, कोई वो करो, नहीं। संविधान हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है, क्योंकि संविधान में हमें वो सुरक्षा प्राप्त है जिसके बलबूते पर हम इस देश के किसी भी कोने में जा सकते हैं। हम देश के सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में न्याय की गुहार लगा सकते हैं। हम समानता के अधिकारों के लिए संघर्ष कर सकते हैं, अवसर की समानता को हम हक से मान सकते हैं, शिक्षा के, रोजगार के, पोषण के अधिकार को हम मांग सकते हैं, हम उनके लिए लड़ सकते हैं। लेकिन मांगो क्यों, मांगो क्यों, धरना कर लो, प्रदर्शन कर लो, मांगो। अरे मांगना नहीं, देना है। जिस तरह से बाबा साहब ने दिया ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है, हाथ से मांगना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं मांगना, देना है। किसको देना है? हर उस नागरिक को देना है जो इस कुदरत में, इस देश में जन्मा है, और उसका अधिकार है कि इस देश में उसको मान सम्मान से मानवता के नाते जीने का अधिकार है। और हम बहुजन सम्यक संगठन संविधान संरक्षण समिति की घोषणा आज करते हैं। बहुजन सम्यक संगठन BSSSSS, कितने सारे ऐसे हो गए हो आप, इतना बहुजन सम्यक संगठन संविधान संरक्षण समिति देश के घर घर में बनाई जाएगी, देश के गांव गांव में बनाई जाएगी, देश के हर मोहल्ले में बनाई जाएगी, हर राज्य में बनाई जाएगी, पूरे देश में मनाई जाएगी, केंद्रीय कार्यकारिणी दिल्ली में रहेगी। आप लोग अपनी तरफ से वॉलंटियर करिए कि कितने लोग बहुजन सम्यक संगठन संविधान संरक्षण समिति को बनाने में योगदान देते हैं। कोई खर्चा नहीं लगेगा, कोई खर्चा नहीं,
नहीं लगेगा, हमारा समाज खर्चे से डरता है, 200 रुपए का पेट्रोल डलना पड़ गया तो कहते कैसे जाएंगे। वो दूसरी बात है कि शाम को ठोर बैठ के 1000 रुपए का मीट खा लेंगे, एक पौवा भी पी लेंगे, आधा भी पी लेंगे। लेकिन जब बात आती है अस्मिता की लड़ाई लड़ने की, मान सम्मान की लड़ाई लड़ने की, तब जेब में से 200 रुपए निकलते हुए दर्द होता है। फिर भी मैं कोई खर्चा नहीं करवाऊंगी। आप लोग अपने घर में, अपने घर के 5-10 सदस्य हैं, अपने मोहल्ले में जितने भी घर हैं, हर घर को एक लिस्ट पे रखेंगे, एक लिस्ट पे रखेंगे। हमारे देश में, हमारे लोगों में एक बहुत बड़ी कमी है, जिसका मुझे बहुत बहुत एहसास होता रहता है, आज भी होता है, कि हम लोग अनुशासन के मारे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग अनुशासन प्रिय हैं, इसका मतलब ये कि हम अनुशासनहीन हैं। मैं उसी अनुशासन को लागू करना चाहती हूँ कि हर व्यक्ति अपने मोहल्ले में, अपने गाँव में बहुजन सम्यक संगठन संविधान संरक्षण समिति का गठन करने में सहयोग देगा। आप लोगों ने हाथ उठा करके अभी अभी स्वीकार किया है, ये संकल्प लो कि यहाँ से जाने के बाद बहुजन सम्यक संगठन संविधान संरक्षण समिति का गठन किया जाएगा, और उसमें आपके सुझाव का स्वागत है। जो भी सुझाव आप मुझे देंगे, मैं उन सुझावों को नोट करूंगी, और बहुजन सम्यक संगठन संविधान संरक्षण समिति की हम कार्यशैली को, कार्यक्षमता को उभारेंगे, दिखाएंगे, परिष्कृत करेंगे, मजबूत करेंगे, और इस देश का हर दलित, शोषित, पीड़ित, गरीब, पिछड़ा हुआ, हर अल्पसंख्यक, हर माइनॉरिटी, हर व्यक्ति को बहुजन सम्यक संगठन संविधान संरक्षण समिति के लिस्ट पर लेना है, हर व्यक्ति को नेटवर्क पर लेना है, और नेटवर्क के माध्यम से हर व्यक्ति को इस देश में जो बाबा साहब की लौ है उसको बड़ा करना है, उसको बड़ा करना है। बाबा साहब को दलितों का नेता मान करके प्रोजेक्ट नहीं करना है, बाबा साहब को इस देश का सच्चा नेता, दूरदृष्टा मान के प्रोजेक्ट करना है। बाबा साहब के विजन को न सिर्फ हमें अपनाना है, बल्कि हर जाति धर्म संप्रदाय के व्यक्ति से बाबा साहब के विजन को अपनाने के लिए प्रेरित करना है। और बहुजन सम्यक संगठन संविधान संरक्षण समिति इस काम को बखूबी निभाएगी, इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएगी। संविधान संरक्षण समिति का काम होगा सुबह उठ करके बाबा साहब के दिए हुए विचारों को आपस में बांटना, संविधान के एक प्रावधान की रोज चर्चा की जाएगी, संविधान की किताब हम आपको देंगे, यदि आपके पास नहीं है मैं आपको दूंगी, संविधान के एक प्रावधान के ऊपर चर्चा होगी, एक सप्ताह तक संविधान के एक प्रावधान के ऊपर आप चर्चा करेंगे, टीका टिप्पणी करेंगे, अपने अलग अलग सोर्सेज से पढ़ करके अपने बच्चों को बताएंगे, अपने अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करेंगे। अपने अधिकारों को जानना बहुत जरूरी है, तभी हम लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन अधिकार मांगने की नहीं, अधिकार देने की लड़ाई लड़नी है, अधिकार देने की लड़ाई लड़नी है। इसलिए बहुजन सम्यक संगठन संविधान संरक्षण समितियों का गठन आज ही से शुरू करेंगे, और संविधान संरक्षण समिति अपने स्थान के नाम से जानी जाएगी। जब भी संविधान संरक्षण समिति का गठन होगा, उसके साथ उसके स्थान का नाम, उसके मैनेजमेंट जो भी संभालेगा, उसका वहाँ पे जो भी मैनेज करेगा, उस व्यक्ति का नाम और फोन नंबर, और उसके बाद जितने भी सदस्य उस समिति में होंगे उसके नाम और फोन नंबर लिख करके वो हमारे पास रहेंगे, और हम लोग जब भी कहीं जाना चाहें, हर व्यक्ति उस संविधान संरक्षण समिति के माध्यम से एकजुट होगा, काम करेगा। कौन सा काम? नारे लगाने का काम नहीं, ना वहां जाके वोट देने का काम, काम होगा सामाजिक स्तर पर चेतना जगाने का काम, काम होगा हमारे आसपास किसी भी किस्म का शोषण, इस बात को रोकने का काम, हमारे आसपास कोई भाई गरीबी के कारण या किसी और वजह से अपमानित तो नहीं हो रहा है, हमारे आसपास हमारी बहन बेटी सुरक्षित है कि नहीं है, ये काम होगा। और एक और काम होगा कि हमारे समाज में जो कुरीतियाँ हैं, सुबह सुबह 7 बजे मैं देखती हूँ लोग ताश पत्ते खेल रहे होते हैं, वहाँ बैठ के घर इतना बड़ा बड़ा नाला खुल रहा होता है, उसमें मक्खी बदबू गू मार रही है, लेकिन वहीं बैठ के ताश खेल रहे हैं, वहीं उसको रोकना होगा। और जो भी है, इतना बड़ा जल संसाधन जो है, उस जल संसाधन को हमें तैयार करना होगा कि किसी भी तरीके से समाज को बढ़ाने में एक योगदान दिया जाए, और योगदान देने के लिए
जो नाले भी भरे हुए हैं वो कौन भरता है? शुरुआत में तो नाले बने थे लेकिन बाद में उनमें कचरा भर दिया, वो नाले क्लॉग हो गए, उसके बाद बाढ़ आ गई, भर गया सब। फिर कहते हैं जी वो गांव वीडियो नहीं आता, वो विलेज ऑफिसर नहीं आता, वो हमारा नाला खुलवाओ, कैसे खुलवाओ बहन जी नाला खुलवाओ, मेरे से कहते हैं मैं कैसे खुलवाऊँ। मैं ये कहती हूँ सब लोग मिल करके नाले को खोल लो और आगे से इसमें कचरा मत भरना और इसके ऊपर जाके पट्टियाँ पाट दो, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमें, हम अपने घर में भी तो झाड़ू लगाते हैं, सफाई करते हैं, तो घर के बाहर भी कचरा फेंक देते हैं। तो अपने घर के बाहर की स्वच्छता की जिम्मेदारी हमारी, न सिर्फ हमारे वातावरण को स्वच्छ करना है बल्कि हमारी सोच को भी स्वच्छ करना है। न ताश खेलने, न बीड़ी पीनी, न शराब पीनी, न जुआ खेलना, किसी भी किस्म का ऐब हमें नहीं करना है क्योंकि हमारा समाज अभी बहुत शोषित है और उस शोषण के लिए हम ही जिम्मेदार हैं। संविधान में तो सबको बराबर के अधिकार हैं लेकिन हम ही जिम्मेदार हैं उस शोषण के लिए। तो ये सारे ऐब, ये सारी कुरीतियाँ हमें खत्म करनी है और शिक्षा से बढ़कर तो कोई बात ही नहीं। मैं भी दिल्ली नगर निगम के स्कूल में पढ़ी हूँ, हमारी फीस 9 पैसे होती थी, हमारे पिताजी हमारी अम्मा हमें 10 पैसे दिया करते थे और उसमें के बाद हमारे टीचर 9 पैसे फीस काट के 1 पैसा हमें वापस करती थी, उस 1 पैसे को लेकर के घर आती थी और चुपचाप अपनी माँ को दे देती थी। तब हमें पता नहीं था उसे 1 पैसे का हम क्या खाएं क्या करें क्योंकि समाज इतना सरल था। आजकल टीवी है, इंटरनेट है, व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया है, जाने क्या क्या है, वो सारे डिस्ट्रैक्शन तब नहीं थे। तब हम सरकारी स्कूल के पढ़े तो आज भी सरकारी स्कूल के पढ़े पढ़ सकते हैं। बहुत जल्दी समझ में आ गया कि इंग्लिश की बहुत वैल्यू है, इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। तब हम पढ़ा करते थे ग्रामर, लाइट हाउस इंग्लिश ग्रामर लेकर के स्कूल में पढ़ना शुरू कर दिया था 4वीं 5वीं क्लास में। अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाओ, स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती कोई बात नहीं, घर में पढ़ो। बाबा साहब को भी कोई ट्यूशन से इंग्लिश नहीं पढ़ाई गई थी, उन्होंने खुद पढ़ी थी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में आज उनका इतना बड़ा स्टैचू लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है? पूरा देश उनके संविधान से चलता है, कुछ तो उनमें था। तो अपने लिए ही जो हमने मंच चुने हैं वो हमने चुने हैं, हमें दिए नहीं गए, हमारी सोच को छोटा किया है तो हमने किया है, उन्होंने तो हमें खदेड़ दिया और हम खदल गए। नहीं, शिक्षित होना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है, कुरीतियों को दूर करना है और उसके बाद जीवन में आगे बढ़ना है। जब बाबा साहब ने राजनीतिक समानता जब दी तब सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में समानता के लिए हमें खुद आगे बढ़ने के लिए कहा था। जीवन के सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए समाज बहुत बड़ा हो गया, मुझे लग रहा है हम लोगों के अंदर बहुत जबरदस्त एक चेतना जागी है, एक तरह का हमारे अंदर एक जलजला आ गया, एक आंदोलन तैयार हो गया। लेकिन ऐसा आंदोलन किस काम का कि कोई भी आके हमारे आंदोलन को लूट ले जाए और हमारे युवाओं को जेल में भर दिया जाए? ऐसा आंदोलन किस काम का कि हमने तो कुछ किया नहीं? मैं महात्मा गांधी के अहिंसावादी सिद्धांत को आज भी मानती हूँ। गांधी शांति प्रतिष्ठान में हर वर्ष 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर देश राष्ट्रीय स्तर पर जब ऐसे राइटिंग कंपटीशन होता था तो मैं पहली क्लास से उसमें भाग लेती थी और हर बार मुझे शील्ड मिलती थी और मैं इस देश के विज्ञान भवन में वाद विवाद प्रतियोगिताओं में शामिल होती थी। अपने स्कूल की तरफ से, अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से मैं पूरे देश में घूमा करती थी वाद विवाद प्रतियोगिताओं में। तब मैंने ये देखा कि हमारे लोगों में मेरा जैसा कोई है ही नहीं, सब लोग ऊँची ऊँची जातियों के हैं, एक मैं ही थी वहाँ अनुसूचित जाति की और अनुसूचित जाति के कारण स्कूल में भी बहुत परेशान हुई। लेकिन हिम्मत रखी और आज आप लोगों को भी मैं यही हिम्मत देने आई हूँ कि अपने आप को किसी से कम नहीं समझना, आगे बढ़ना है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत 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 बड़ा मैदान है, सारी जमीन, कहावत है ना किसी का शेर है कि झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, आसमां को धरती पर लाने वाला चाहिए। आसमां को धरती पर तो ले आए थे लेकिन दुनिया को झुकाने से पहले हम ही झुक गए। तो आज मैं किसी को झुकने और झुकाने की बात नहीं करती लेकिन आपके मान सम्मान के आगे हर उस व्यक्ति को, हर उस दूषित मानसिकता को झुकाना चाहती हूँ जिन्होंने सदियों हमारी मान सम्मान को, हमारी मानसिकता को झुकाया है, उनका झुकाना बहुत जरूरी है। इसलिए झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए।
आप झुकाने वाले बनो, झुकने वाले नहीं बनो। झुकने वाले नहीं बनना है। ये लोकतंत्र में लोगों की शक्ति को हमें जागरूक करना है। बहुजन समय संगठन संविधान संरक्षण समितियों के माध्यम से देश के घर घर में, गांव गांव में, मोहल्ले में, हर राज्य में बाबा साहब के नाम की आलत जगानी है और हमारे संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई हमें लड़नी है। अपने आप को अनुशासित करना है, अपने अंदर समय का और प्रोग्राम का जो भी है वो अनुशासन हमें पैदा करना है। संविधान के प्रावधानों को दोहराना है, अपने अधिकारों से अपने आप को जागरूक कराना है। और जब बात लड़ने की आए तब इस देश से अंग्रेज भी चले गए थे, शांतिपूर्ण अहिंसात्मक तरीके से अपनी लड़ाई को लड़ना है, न कि 2 अप्रैल की तरह जाकर वहाँ पे सब लोग निकल पड़े सड़कों पर। ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। ऑर्गेनाइज्ड तरीके से संघर्ष करना है और वो मुकाम, वो अर्जुन की मछली की आग की तरह उस पर फोकस रखना है। और उसको हमें जब तक हम हासिल न कर लें तब तक हमें अपना फोकस टूटने नहीं देना है। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन काम पक्का करना है, पूरा करना है, बढ़िया वाला काम करना है। इस देश में दलित बहुजनों ने बहुत सारे लोगों को पलक पर बैठाया, लेकिन अपने समाज को कभी भी पलक पर बैठाने की इच्छा ही नहीं हुई। आज अपने समाज के उस नुमाइंदे को जो आपका सबसे सही व्यक्ति हो उसको अपने आगे लेकर के चलो। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी बात बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आपके अंदर वो सोच पैदा करने निकली हूँ कि आप किसी से भी कम नहीं हो। इस देश में आपकी अपनी हस्ती है, आपकी अपनी योग्यता है, संविधान के अधिकार हैं और आगे बढ़ने के सारे रास्ते खुले पड़े हैं, बस चलने की देर हो। कहते हैं ना, कदम चूम लेंगे स्वयं आपके मंजिल, जरा पाँव अपना बढ़ा के तो देखो, जरा पाँव अपना बढ़ा के तो देखो। इन्हीं शब्दों के साथ और ज्यादा समय न लेते हुए आप लोगों से शुभाशीष की अपेक्षा करती हूँ और बहुजन समय संगठन का भविष्य उज्जवल हो, इस देश का सबसे बड़ा संगठन बने और हर व्यक्ति जुनून के साथ संगठन का कार्यकर्ता बने और हर व्यक्ति अपने हकों और अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़े और हर व्यक्ति एक भाईचारे के साथ लोकतंत्र की शक्ति को बढ़ाए और हर व्यक्ति सबसे पहले भी और सबसे अंत में भी भारतीय हो। इन शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।